इंद्रियां क्या होती है पहले इंद्रियां समझ लें, क्योंकि इसको संस्कृत भाषा में इंद्र करके बोला जाता है। इंद्रियां जो होती हैं, जो हमारी इंद्री होती हैं, इसको धम्मपद गाथा नंबर 94। इस 94 गाथा की जो कथा है वो मुझे मिल नहीं पाई, आगे कभी मिलेगी तो मैं उसको ढूंढूंगा जरूर। गाथा इस प्रकार है, यसिंदी यानी समत्थंग तानी अस्सा यथा सार थिना सुदंथा पहिन मानस्य अना आसवस्य देवापि तस्य पिहंति तादिनो। यसिंदी यानी, यसिंदी यानी का मतलब है यस इंदी आनी, यानी जो कि जिसकी इंदियां। इंदियां क्या होती है पहले इंदियां समझ लें, क्योंकि इसको संस्कृत भाषा में इंद्र करके बोला जाता है। इंदियां जो होती हैं, जो हमारी इंद्री होती हैं, इसको इंदी बोलते हैं। तो ये इंदियां हमारी हैं, जैसे हमारा आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, जीभ है, त्वचा है, जिससे जानकारी पूरे शरीर को मन को मिलती है, उनको इंदियां बोलते हैं। संस्कृत भाषा में पाली से ही लिया गया शब्द है, इसको इंद्रियां बोला गया है। और जो इंद्री को जीत लेता है उसको इंद्रजीत बोलते हैं, यानी इंद्रजीत बोलते हैं। और जो उसका इंद्रियों का स्वामी मालिक बन जाता है उसको इंद्रियों का स्वामी यानी इंद्र स्वामी बोलते हैं। और जो इंद्रियों को ईश्वर होता है, यानी कि जो उसका वैज्ञानिक होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको इंद्री ईश्वर बोलते हैं। बुद्ध का नाम इंद्री ईश्वर या इंद्री ईश्वर भी है, बुद्ध को इंद्र भी बोलते हैं। यानी जो इंद्र है वो जो इंद्रियों को जानता है उसको इंद्र बोलते हैं, और बाद में इसको इंद्र किया गया है और इंद्र नाम यहीं से लिया गया है। ये जो इंद्री शब्द है ये बहुत पुराना पाली भाषा का शब्द है, जिसको यहां से चुरा के लोगों ने इंद्र करके स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि हर एक बढ़िया चीज को वो यहां से ले जाके अपने नाम पे लिखना चाहते हैं, जो लोग पैदा नहीं करते, जो लोग निकम्मे हैं, जो लोग नाकारा है। तो क्या है यस्सी इंद्री यानी, यस्सी इंदिया यानी का मतलब है जो कि इंदिया। समन्थक तानी, समन्थक तानी का मतलब है समत्थंग तानी, जो दमन और संयत, यानी कि जो दमत दमन और संयत करते हैं उनके लिए। अस्सा यथा, अस्सा यानी कि घोड़ा, जैसे घोड़ा। अस्सा यथा का मतलब है जैसे घोड़ा। सारथिना सुदंता, सारथी का मतलब है जो उसको चलाता है, जो उसको सारथ करता है, जो उसको संभालता है, जो उसको संयत करता है, जो उसको ट्रेन करता है, जो उसको प्रशिक्षण देता है। सुदंता यानी कि अच्छी तरह से उसका दमन करता है, सुदंता करता है, उसका सारथी। यानी कि जैसे किसी घोड़े को, घोड़े का प्रशिक्षक, घोड़े को सिखाने वाला, सीधा करने वाला उसको सीधा करता है, ऐसे ही जो इंद्रियों को सीधा करते हैं। पहिन मानस्य, पहिन मानस्य का मतलब है पूरी तरह से मानस्य, यानी पूरी तरह से मान का। क्या करना है पूरी तरह से मान का? अन आसवस्य, यानी कि जो मान है, अहंकार है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अन आवसन, अन आसवस्य, आसवस्य का मतलब है कि जितने भी आसव होते हैं उनको भी। देवापी तस्से पिहंती तदिको, देवापी माने हैं देवापी, यानी कि जो देवता हैं वे भी। तस्से माने उनको, पिहंती माने प्रिय होते हैं, प्यार करते हैं। तादिको के मतलब है इस प्रकार से। आप इसको सरल हिंदी में अगर समझना चाहें तो ये बहुत सरल है। जैसे घोड़े को साधने वाला जो सारथी होता है, घोड़े को संयमित करता है, शांत करता है, दमन करता है, दंत करता है, ट्रेन करता है, प्रशिक्षित करता है, वैसे ही इंद्रियां शांत हो गई हैं। यानी जिस मनुष्य की इंद्रियां शांत हो गई हैं, संयत हो गई हैं, समत हो गई हैं, अब उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती हैं, यानी कि उसके सेंस इधर उधर नहीं भागते हैं, जिसका पूरा मान और अहंकार अनासक्त क्षीण हो गया है, यानी जिसके अंदर कोई अब मान और सम्मान की अहंकार नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है। इस कारण से, इस सब कारण से, क्योंकि वो शांत हो चुका है, जो देव लोग हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, जो पंचशील का पालन करने वाले हैं, वह उसको प्यार करते हैं। इस कारण से वह भी प्यार करते हैं। इसमें जो शब्द आया हुआ है इंद्रियां,
इंद्रिया का मतलब है हमारे नाक, कान, आंख, मुंह, त्वचा, मन, जीव, यानी कि ये शांत हो गई हैं। अब अगर किसी मनुष्य में ये सारी चीजें शांत हो जाएं और उसकी कोई इच्छा ना रहे तो वो मनुष्य कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो किसी का भोजन चुराएगा नहीं, ना ही किसी के भोजन की लप लप करेगा। मिल गया तो ठीक है, खा लेगा, नहीं मिल गया तो चला पड़ेगा। उसकी जो आंखें हैं अब वो सब अच्छा देखती हैं। वो किसी की औरत को, किसी की बहन को, किसी के भाई को या किसी के पैसे को देख के उसके मन में कुछ नहीं आने वाला। जिसका जो है वो ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं है, चाहे कहीं कोई कैसा भी कर्म हो रहा हो, उसे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसको खाना जैसा मिला है ठीक है, उसको जीभ का स्वाद नहीं चाहिए कि बहुत बढ़िया है, तो उसे कोई परेशानी भी नहीं है। कान में जो उसके शब्द आते हैं वो सब समान आते हैं, चाहे कोई उसे ओए कह के बात करे, आए कह के बात करे, भड़े कह के बात करे, तू कह के बात करे, आप कह के बात करे, या गाली दे के बात करे, या जोर से बोले, या कर्कश बोले, या अपमान करे या सम्मान करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। जो ये नाक है उसको कैसी भी गंध मिल जाए, चाहे वो दुर्गंध है, चाहे वो स्वगंध है, चाहे वो बहुत अच्छी गंध है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सारी गंध जितनी भी है दुनिया में वो बराबर हो जाती है। तो आंख, नाक, जीभा हो गया और कान हो गए, और इसके अलावा जो त्वचा है, त्वचा में उसे कोई आराम नहीं चाहिए, ना ही वो मसाज कराएगा, ना ही उसे किसी मेल की या फीमेल की आवश्यकता है, ना ही उसे कोई टच चाहिए, ना ही उसे कोई टच में इंटरेस्ट होता है, यानी कि स्किन पर कहीं कोई अगर छुएगा तो उसे कुछ नहीं होता, उसको ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसके अलावा वो इन पांचों बातों को अपने मन में धारण करता है और मन से भी वो इन चीजों को स्वाद नहीं लेता। मन से स्वाद लेने का मतलब यह है कि जैसे आप आम खा रहे हैं और आम आपको नहीं मिला और आपने आम का नाम लिया और आम का स्वाद मुंह में आ गया और जो पुराना स्वाद है वो आपने खोल लिया और वो खा लिया, तो मन में भी वो स्वाद को नहीं लेके आते, मन में भी कोई ऐसा दृश्य नहीं लेके आते, मन से भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके सारे आसब, सारी राग द्वेष मोह ममता क्षीण हो जाती है, जो व्यक्ति ऐसा होता है वो जैसे घोड़े को घोड़े वाला शांत कर देता है, ऐसे ही वो अपने जितने भी आसव हैं, जितने भी क्षीण हैं, जितने भी राग द्वेष मोह के, जितने भी मूर्ता के या जो इंद्रियां हैं उसकी, उनको शांत कर देता है। ऐसे शांत मनुष्य को सभी प्यार करते हैं, सभी लोग अच्छे उसको चाहते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
सिंधुं शरणं गच्छामि तत्रापि संगम शरणं गच्छामि साधु 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 कामेश मिच्छाचार विरमणि सिक्खापदिं समाधियामि कामेश मिच्छाचार विरमणि सिक्खापदिं समाधियामि कामेश मिच्छाचार विरमणि